दोस्त ने आज पूछा कि ये ज़िंदगी क्या है, तो मेरे ख्याल है कि ज़िंदगी तो सांस का नाम है, अगर चलता रहे तो ये जहाँ ना चली और आई थिंक सो कि अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है तो इसको दूसरों का एहसास और दूसरों से प्यार मोहब्बत से बांट के चलना और दूसरों का ख्याल करना ही सबसे बेहतरीन ज़िंदगी है। ज़िंदगी नाम है अपनी ज़ात की नफ़ी का, अपनी अना की नफ़ी का, खुद ही नहीं। खुद ही और अना में बहुत फ़र्क है। ज़िंदगी नाम है छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढने और उनको दूसरों में तकसीम करने का। मेरे नज़दीक ज़िंदगी नाम है ख्वाहिशों, खुशियों और कुर्बानियों का। हम ज़िंदगी में बहुत से ख्वाब देखते हैं, उन ख्वाबों के टूट जाने के बाद दोबारा से उठ खड़े होने का नाम ज़िंदगी है, चलते रहने का नाम ज़िंदगी है, किसी के चेहरे पर खुशी लाने का नाम ज़िंदगी है। बहुत से लोगों की ज़िंदगी में बहुत से मकासद होते हैं, सिनफ़े मुखालिफ के पीछे कोई इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, ताकत, नेक नामी, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इल्म के पीछे होते हैं, अपनी ज़ात के इल्म के पीछे होते हैं, दो वाक़ियात के दरमियान मौजूद ताल्लुक के इल्म के पीछे होते हैं। सर जी, दो तीन गल करा क्विक लीजिए, क्योंकि इन अल्लाह ने अकल भी नहीं दी, तालीम भी नहीं दी कि मैं कोई जिंदगी के बारे में बड़ा फलसफा दे सकता, ठीक है ना। वो साढ़े को डॉक्टर DRT साहब है, वो देंगे मेरे को इन्नी जी गल है सर, जो मैं समझा जिंदगी तो जे तो जिंदगी का मुराद दुनिया है, फिर तो मेरे रब ने एक ही गल मुका दी गल करके सुरैन कबूत कि मक्की तो चल है धोखा है सिर्फ, तो जे जिंदगी तो मुराद लाइफ है सर, तो इट डिपेंड्स अपॉन जिमें नियमत की कदर हर बंदे नू नहीं होंगी ना, जितना जिंदगी की कदर भी हर बंदे नू नहीं। जिंदगी अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा भी है, तो अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब भी है, यह डिपेंड करता है कि तुम कितने जाके मुकाते हो। जे तो जिंदगी का एंड रिजल्ट जन्नत है, फिर तो इस तो चंकी शायद कोई नहीं, तो जे जिंदगी का एंड जाके दोजख होना तो फिर इस तो बुरी चीज़ कोई नहीं, क्योंकि थोड़े अमाल ही ने जो थोड़े जिंदगी जन्नत दोजख बनाते हैं। तुम कभी दुनिया वास्ते अबू हिकम होंगे हो, लेकिन तुम अपनी हरकतों तो अबू जहल बन जाते हो, तो जे तो दुनिया गुजरीए अल्लाह तो उहदे रसूल हुक्म के मुताबिक फिर जन्नत है, क्यों क्योंकि रिजल्ट जरा थानू बड़ा शानदार लभ्या। तो जे तुम अपनी अकल तो चले हो, ठीक है ना, तो इंसान की अकल पहले तुम्हें पता ही है, वह तो बच्चों की तरह जी चमकती उन्हें सोना समझ के पिछे पिछे हो जाता है, लेकिन मोरल का स्टोरी है जी कि अल्लाह तला का बहुत बड़ा तोहफा है, तो अल्लाह सानू इसकी कदर भी करने की इजाजत दे। बस तो जेडे मेरे दोस्त यार दोस्त सारे ने अल्लाह तला मैनू भी तो सारे सारे दोस्तों मेरे जाना नालियां मेरे दोस्तों मेरे घर वालों जिन्हें भी सानू एक दूजे का साथी बनाए, ठीक है ना जी, आमीन। ते नबी पाक की शिफा नसीब फरमाए, तो असं भी साबा काम जिन्हें देख सकी सर, ठीक है, असं तो उन्होंने खाक के बराबर नहीं, लेकिन नबी का दीदार कर लीए, उन्होंने जो अशरम बोशरा साहबा सन उन्होंने दीदार कर लीए, तो फिर तो जन्नत दुनिया कामयाब ही कामयाब है। जिंदगी एक एहसान है रब कायनात का, उस कायनात के मालिक का जिसने अपनी अनगिनत मखलूकात को बेजान पैदा किया है, और लातादाद मखलूकात जानदार हैं, इन जानदार मखलूकात में से भी हम अशरफुल मखलूकात हैं। तो मेरा ख्याल है अशरफुल मखलूकात होना और ज़िंदगी होना हमारे लिए एक एहसान है रब कायनात का, और हमें इस एहसान का शुक्र अदा करना चाहिए। एहसान के लिए हम जितना रब का शुक्र अदा करें वो कम है। एहसास ही बेसिकली यू नो ज़िंदगी है, वो एहसास जो है वो हर किस्म का होता है, राइट, कि मुझे अगर भूख लगी है तो मुझे भूख का एहसास है, अगर मुझे प्यास लगी है तो प्यास का एहसास है, अगर मैं कोई तकलीफ़ है जिस्म में यानी कि कोई बीमारी है तो वो उसका अपना एहसास होएगा। ये तो अपने पर्सनल ऐसा यू नो एहसास है इनकी बात हो रही है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि आपको कुछ फीलिंग्स होती हैं जो सराउंडिंग से आती हैं, जो आपके जानने वाले, आपके माँ बाप, बहन भाई, किसी की औलाद कामयाब हो रही है तो वो खुशी का एहसास हो रहा है, किसी की शादी है, किसी का गमी है, डेथ हो रही है, तो आई थिंक इसमें जो आई गेस हमारे जो इर्द गिर्द जो मौजूद जितने भी लोग हैं, हमारे अजीज़ रिश्तेदार, बहन भाई, दोस्त, बच्चे, माँ बाप, बीवी, सब का कोई ना कोई रोल है उसमें, उस ज़िंदगी में हमें वो फीलिंग्स को कंटिन्यू करने में। तो आई गेस मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये है कि इसमें एहसास में इस
दूसरे जो हमारे सराउंडिंग्स जो हैं, जो हमारे जानने वाले हैं, जो हैं, जो भगाने लोग, जो भी कह लो, जो भी हर किस्म के जो भी लोग हैं दुनिया में, उनकी उनकी प्रेजेंस जो है ना, वो डेफिनेशन में ज़रूरी है टू कंप्लीट द वर्ड ज़िंदगी. उसका रीज़न ये है कि लेट्स सी कि अगर सारी दुनिया में से जानदार चीज़ें उठा ली जाएँ सिवाय अकेले मुझे यहाँ पर छोड़ दिया जाए, सब दुनिया की हर चीज़, हर तरक्की, हर कामयाबी सब मेरे कंट्रोल में है, सब मेरे पास है, लेकिन मेरे में उस कैफियत में सिर्फ जो एहसास एक ही होगा और वो रिग्रेट होगी, मैं मे बी 4-5 दिन उस चीज़ को एंजॉय करूं कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो अकेलापन जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होएगा और खुशी का एहसास नहीं हो सकता. गमी का एहसास 4 गुना 10 गुना 20 गुना बढ़ जाएगा. हमें जो फीलिंग्स आती हैं इसमें एक हमारी इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है जो कि हमारी ज़िंदगी को कंप्लीट करता है. जो लोग जो हमें बेसिकली फीलिंग्स प्रोवाइड करते हैं उनका भी हिस्सा होना चाहिए ज़िंदगी की डेफिनेशन में. मेरे नज़दीक ज़िंदगी वक्त का नाम है. वक्त वो जो चूड़ियाँ ले जाता है और झुरियाँ दे जाता है, इसी का नाम है ज़िंदगी. ज़िंदगी प्यार है, प्यार का नाम ज़िंदगी है. मेरे हिसाब से जो लाइफ है वो अल्लाह ताला का इंसान को, मैनकाइंड को दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा है. और अल्लाह ताला ने ये इख्तियार भी इंसान को दे दिया है कि वो इस लाइफ को कैसे गुजारता है. और अगर आप गौर करो तो इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा कर दी हैं जो मैनकाइंड के लिए अट्रैक्शन बनती हैं, जो इस लाइफ को और ख़ूबसूरत बनाती हैं. उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन सबसे जो खूबसूरत है वो रिश्ते हैं. यानी इंसान को इंसान के साथ ऐसा मुंसलिक अल्लाह ने फरमा दिया है कि वो उन रिश्तों उन नातों से निकल नहीं सकता, और वही रिश्ते नाते उसकी ज़िंदगी को और ख़ूबसूरत बनाते हैं. जैसे आपकी औलाद है, माँ बाप हैं, आपके बीवी बच्चे बीवी है, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, तो ये मेरे हिसाब से अल्लाह ताला ने सबसे खूबसूरत तोहफा जो इंसान मैनकाइंड को दिया है तो वो लाइफ है. और इस लाइफ को और इसके साथ साथ इंसान को अल्लाह ताला ने एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मशीन के तौर पे भी पैदा किया है, और ये वाहिद मशीन है जो खुद अपने आप को ऑपरेट करती है. और इसके लिए अल्लाह ताला ने एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की भी प्रोवाइड किया है, और जिसको और जो सबसे खूबसूरत तोहफा भी है इंसान के लिए वो है कुरान पाक. तो अल्लाह ताला ने वो एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया है कि आपने इस लाइफ को गुजारना कैसे है, इस लाइफ को और ख़ूबसूरत कैसे बनाना है. तो मेरे हिसाब से ये जो लाइफ है ये इंसान की मैनकाइंड के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है अल्लाह ताला की तरफ से. तो जहाँ जितनी यारा की गल है सर, यारा नाल वारा अल्लाह मुर्शिद का भला करे बड़ा ना रखे सर, तो यार मेरे बकोल तो सिर्फ वही ने जो तुम बनाते हो 10वीं तक या 12वीं तक, सब ना थानू अकल आँदी है ना थोड़े दोस्तों आँदी है, तुम बस एक ही मकसद थोड़ा अगर थोड़ा दोस्त यार है, फिर जिन अकल आँदी आँदी है फिर तुम कहते दोस्त होंगे फिर यार नहीं होंगे. हूँ अलहमदुल्ला मेरे यार बड़े बड़े गुरान सर शाही लोग ने, इस वास्ते मेरे वास्ते तो बड़ी खुशी की गल है अल्लाह ताला की नेमत है. हूँ किसी ने बंदा पूछे कि किसी के यार हाशम जैसी टिंड हो सकती किसी की भी नहीं, तो साढ़े की कहते ने वाबदा दे सुपरवाइजर साहब ठीक है ना सर, उन्होंने वर्गिया मुछा नसीम दियां लंडे दियां टी शर्टा चोर मैन का रजिस्टर ठीक है सर, तो शाहिद दियां हर गल च जनानी कुड़ी की तरह कुंवारी कुड़ी की तरह नाराज हो के एक साइड से बह जाना ठीक है, फरहान ते हुन अली जिहड़े ने दानिशवर बन गए ने सर सारी जिंदगी चवला मार मूर के ठीक है ना,
ਸਟਾਪੂ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਤੇ ਲੱਛੇ ਵਾਲੇ ਗੋਲੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸ ਫਲਾਸਫਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਰਾਇਟੀ ਸਰ, ਕੁਝ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਨਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਸਰ ਫਤਿਹ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਐਡਮਿਨ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਆਪਕਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਥਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੀ ਬਾਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇ ਕਾਮ ਆਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਸਕੀ ਬਾਤ ਸੁਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੋਂ ਕੋ ਵਕਤ ਦੇ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਅਗਰ ਆਪਕੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਬਹਿਨ ਹੈ, ਉਨਕਾ ਦਿਲ ਕਾ ਹਾਲ ਸੁਨੇ, ਉਨਕੋ ਹਲਕਾ ਕਰੇ ਅੰਦਰ ਸੇ, ਆਪਣਾਪਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਵੀ ਹਲਕਾ ਕਰੇ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਇਸੀ ਸੇ ਆਪਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ। ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਕੁਛ ਆਪਕੇ ਬਸ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਉਨਕੋ ਗਲੇ ਲਗਾ ਕਰ, ਉਸਕੇ ਕੰਧੇ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕਰ, ਇਹ ਤੋ ਕਹਿ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਰੇ ਸਾਥ ਹੂੰ। ਕਿਸੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਕੇ ਦਿਲ ਕਾ ਖਿਆਲ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਦੂਸਰਾ ਆਪਕੇ ਦਿਲ ਕਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਕਭੀ ਕੁਛ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋ ਉਸੇ ਕਭੀ ਜਤਲਾਏ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਭੀ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਦਲੇ ਕੀ ਔਰ ਵਫਾ ਕੀ ਜੋ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਔਰ ਤਨਹਾਈ ਕਾ ਸਬਬ ਬਣਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੇਕੀ ਕਰੇ ਕਿਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਭਲਾ ਕਰੇ ਔਰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਮਤ ਸਿਲੇ ਕੀ ਉਸਸੇ ਆਰਜ਼ੂ ਰੱਖੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਅਜ਼ਦਵਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਲੀਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿ ਇਸੇ ਹਟ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੈਗਾਮ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹਮ ਆਜ ਇਸ ਵਬਾਹ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਆਸਾਇਸ਼ੇ ਹਮੇ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹਮ ਹੱਥ ਮੇਂ ਪਕੜ ਕੇ ਇਸਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋ ਹਮ ਇਸ ਇਨ ਸਾਰੀ ਨਿਮਤੋਂ ਕਾ ਜਿਤਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੇ ਵੋ ਕਮ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਕੀ ਨਿਮਤ ਜਿਸਕੋ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਕਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਆ, ਬਸ ਰੱਬ ਹਮੇਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਤਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਇਤਨੇ ਵੀ ਕਲੰਡਰ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਹਮ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਪੇ ਸਿਰਫ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਯਾਨੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਿਤਰੀ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਸੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਹਮ ਐਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਤੋ ਇਹ ਥੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੀ ਬਾਤ। ਔਰ ਦੋਸਤ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਦੋਸਤ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਤੋ ਇਹ ਵੋ ਵਾਹਿਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਸਕੀ ਕੋਈ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਇਸਕੋ ਆਪ ਕਿਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ। ਦ ਬੈਸਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤੋਂ ਕੋ ਮਿਸ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਸਭ ਕੇ ਸਾਥ, ਔਰ ਜੋ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਹੀਰੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹੀਰੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਦੋਸਤੋਂ ਕੇ ਲਈ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਰਾਬਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਕਿ ਆਜ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਪੇ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਸੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੁਝੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੋ ਹਮੇ ਇਨ ਮਾਮਲਾਤ ਕੋ ਪਸੇ ਪੁਸ਼ ਡਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੇ ਰਾਬਤੇ ਮੇਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਅਗਰ ਹਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਤੇ, ਤੋ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹਮਾਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਸਹਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਕਿ ਦੋਸਤੋਂ ਕੋ ਯਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੋਸਤ ਹਮਾਰਾ ਸਾਸਾ ਹੈ, ਤੋ ਉਸ ਸਾਸੇ ਕੋ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪੈਗਾਮ ਦੋਸਤੋਂ ਕੋ ਯਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਰਲ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਸਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੰਨਤ 'ਚ ਵੀ ਸਾਥੀ ਬਣਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਮੈਸੇਜ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਵ ਯੂ ਆਲ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਵਲ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਾਫ਼ੀ। ਉਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਕਲਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ ਹੋ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਵ ਯੂ ਆਲ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਯੂਰ ਸੈਲਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਫੀਡਬੈਕ।